विज्ञान दिवस के मौके पर 29 फरवरी को आयोजित साइंस फेयर में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अनुमंडल मुख्यालय स्थित RNB स्कूल परिसर में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार, BDO मानेंद्र कुमार सिंह व विद्यालय के प्रबंधक दिनेश रामा शंकर राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर अपने संबोधन में SDM ने कहा कि पीरो जैसे कस्बाई में शहर की तरह आयोजन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार किए गए प्रोजेक्ट इस बात का गवाह है कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। यदि इन बाल वैज्ञानिकों को समुचित प्रोत्साहन व मार्गदर्शन मिले तो ये सफलता की बुलंदी तक पहुँच सकते हैं। साइंस फेयर के लिए बच्चों के अलग अलग समूहों द्वारा कुल 28 प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इको टॉयलेट, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, पर्यावरण संरक्षण जैसे कई इवेंट शामिल थे। जो पहली बार आपका हुआ है कि साइंस सोचे जहाँ पर हर किसी के लिए एक सपना होता है, ये हमारा कोशिश रहेगा। आज का इस संदेश मेरा विद्यालय का देने पर है, हम सभी का गाइडेंस कॉपरेशन बच्चों के प्रति यही होता है। पर्यावरण अनुकूल घर, यह पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण रहित क्षेत्रों में से एक है और इसमें लघु कम बिजलियों से सस्ती और ग्राहक अनुकूल की व्यवस्था। सर ये कुआं है? कुआं नहीं है, हमको क्या मालूम है। और तमाम हमारे सभी अभिभावक बंधु, सभी प्यारे छात्र, हमारे मीडिया के बंधु, बहुत ही अच्छी बात है कि स्कूल में साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है। इस तरह की क्रिएटिविटी की बहुत आवश्यकता होती है पाठ्यक्रम में, क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं वो वास्तविक रूप से उनके अंदर तभी उतरता है जब उसका वो प्रायोगिक तरीके से उसको सीखते हैं। और साइंस एग्जीबिशन उस थियरी को, जो विज्ञान के सिद्धांत है, उनको सीखने का एक बिल्कुल व्यवहारिक तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है।